Very sweet. Good morning, my dear students. Today I am going to tell you how to extract or solved in the examination paper. You would come across the extracts of the chapters, and you would be supposed to give answers of the questions based on the extracts. Okay, so I am going to solve the extracts of the first chapter from Literature Reader, A Letter to God. आज इस चैप्टर के एक्सट्रैक्ट्स आपको मैं पढ़ूंगा और उनको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट्स सॉल्व करने. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपॉ और एटलीस्ट अ शावर. जो उस टाइम ज़रूरत थी ज़मीन को, वो थोड़ी बौछार की, बारिश की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरे सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, वली बांध परिचित था खेतों से, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं उसने किया था सुबह से, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में ही देख रहा था. ओके, बोलो तुम लोग, देख रहा था. ओके, तो दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द लेटर. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ यू नो कंसर्न ऑफ लेंचो अबाउट हिज फील्ड्स, खेतों को बारिश की जरूरत थी, वो एक्सट्रैक्ट ये दिया गया है. हु वाज लेंचो, फर्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर गिवन, अ टीचर, अ डॉक्टर, अ ब्लेजर, अ फार्मर. तो इफ यू हैव रीड द चैप्टर यू कुड टेल दैट लेंचो वाज अ फार्मर. ओके, सेकेंड, विच क्रॉप हैड लेंचो ग्रोन, कौन सी फसल उगाई थी उसने अपने खेतों में. कॉर्न, वीट, बैरली एट पैडी, कौन सी फसल उगाई थी. अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही हैड ग्रोन कॉर्न की जो है फसल उगाई थी, क्रॉप उसने की थी. ओके, नेक्स्ट, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कैन बी सीन, जो माउंटेन्स और क्लाउड्स जो बड़े बड़े से दिखाई दे रहे थे, वो कहाँ से दिखाई दे रहे थे. कैन बी सीन नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ दिखाई दे रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में. सेकेंड, द फ्रेज हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली, हियर मीन्स, इसका क्या मतलब है. द फ्रेज हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली, हियर मीन्स दैट लेंचो पर्सनली न्यू हिज फील्ड्स. ही केम टू नो व्हाट हिज फील्ड्स डिमांडेड, उसे पता लग जाता था किस चीज़ की, खाद की, पानी की, ओके, किस चीज़ की ज़रूरत है. तो ही वॉज वेरी फैमिलियर विद दिस फील्ड्स, बहुत फैमिलियर था अपने फील्ड्स. नेक्स्ट, सेकेंड, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा था. एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी बोला अब तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है. आई होप इट पास क्विकली, आशा करता हूँ ये जल्दी ही गुजर जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये गुजरे नहीं. कहाँ का चैप्टर ये एक्सट्रैक्ट है. देखिए, जब बारिश हो चुकी
और बारिश की बूंदें चेंज हो गईं हिल स्टोन्स में, जब ओले गिरने लगे बुरी तरह से तो वो परेशान हो गया, ठीक है, तो वो परेशान हो गया लेंचो। तो उसने क्या बोला, काश, आशा करता हूँ ये जल्दी बंद हो जाए ये ओलों की बरसात, लेकिन वो बंद नहीं हुई, जल्दी नहीं बंद हुई। हु डज आई रेफर टू हियर, किसके लिए आई आया है, आई होप इट पास, किसने, हु हैज सेड दिस स्टेटमेंट, वुमेन, औरत बोली है, उसकी वाइफ, द बॉय, उसका लड़का बोला है, लेंचो ने कहा है या पोस्टमैन ने कहा, पोस्टमैन, बॉय, वुमेन, नहीं, ये स्टेटमेंट किसका, लेंचो का, लेंचोज स्टेटमेंट, द हेल स्टोन्स रिजेम्बल्ड बिग स्टोन्स, न्यू सिल्वर स्टोन्स, कोल्ड स्टोन्स, लिटिल स्टोन्स, बताइए। किससे तुलना की गई थी हेल स्टोन्स की, जब आपने चैप्टर, व्हेन यू हैव रीड द चैप्टर यू वुड हैव रीड दैट द बिग रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड विद 10 coins, यू नो 10 rupee coin, स्मॉल ड्रॉप्स 5 rupee coin, एंड हेल स्टोन्स वर कंपेयर्ड विद द सिल्वर स्टोन्स, सफ़ेद होते हैं तो चांदी के स्टोन से उनकी तुलना की गई, सिल्वर स्टोन्स, तो आपका आंसर इसका हुआ न्यू सिल्वर स्टोन्स, ओके। द फरी ऑफ हेल स्टोन्स डेस्ट, जो हेल स्टोन्स की जो बहुत तीव्रता थी, उसने क्या किया, क्या बर्बाद कर दिया, उसकी क्या धूमिल कर दिया, उसकी आशा को धूमिल कर दिया, डैश्ड लेंचोज होप्स, व्हाट वाज ही होपिंग, क्या होप कर रहा था वो, कि उसकी फसल अच्छी होगी, ही वाज गोइंग टू गेट वेरी गुड क्रॉप्स दैट ईयर, बट द फरी ऑफ द हेलस्टोन डैश्ड हिज होप्स, सब आशाएं उसकी, हिज होप्स आएगा यहाँ पे बर्बाद हो गई। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ मीन्स, इसका क्या मतलब है कि बहुत बुरा हो रहा है, इट मीन्स द रेन हैज टर्न्ड फ्यूरियस हेल स्टोन्स, बारिश की बूंदें जो पानी को, वो फसल को जो अच्छी तरह से ग्रो करती वो कायम बदल गई, हेल स्टोन्स में बदल गई, इसमें ओलों में बदल गई, ओके। नेक्स्ट, ऑल दो द नाइट लेंचो टॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात केवल एक आशा के बारे में, एक ही आशा थी उसके पास इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, टू फाइट इन दिस बैड सर्कमस्टेंसेस, ही एंड ओनली वन, द ओनली यू नो होप दैट वाज गॉड, ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान बहुत विश्वास था उसको, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एंड ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसको कहा गया था कि भगवान की आंखों से कुछ नहीं छुपा हुआ है, वो सब देख रहा है जो बर्बादी हुई है, इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि भगवान तो जान जाता है दूसरे की आत्मा में क्या छुपा हुआ है, वाट डिड लेंचो नीड फ्रॉम गॉड, क्या जरूरत, क्या मांगा था उसने भगवान से, 70 pesos की डिमांड किया था, 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos, तो एज यू हैव रीड दिस चैप्टर वेरी गुड मैनर, सो यू कुड टेल दैट 100 pesos डिमांडेड, 100 pesos मांगे थे। Why did Lencho need the help of God? Why did Lencho need the help of God? To build his house, घर बनाना चाहता तो मदद मांगी थी, cultivate his field, खेतों को जोतना चाहता था, feed his family, अपनी family को खाना खिलाना चाहता था, to cultivate his field and feed his family. तो he demanded 100 pesos that, so that he could sow his, you know,
कल्टीवेट इन सोइज फील्ड्स, जोत पाए अपने खेतों को और उसमें अनाज बो पाए, ठीक है, जब तक नई फसल नहीं हो जाती तब तक के लिए, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, फूड ऑफ फैमिली मेंबर्स, और उसके पूरी साल फैमिली मेंबर्स खाना खा सकें, इतने पैसे मांगे थे 100 पीसो, यानी कि टू कल्टीवेट हिज फील्ड्स एंड फीड हिज फैमिली, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए खाना और खेतों को जोतने के लिए उसने पैसे मांगे थे। लेंचो ऑफन बर्गड, प्राय लेंचो कहाँ काम किया करता था, कैसे काम करता था? तो लेंचो ऑफन बर्ग लाइक एन ऑक्स, बैल की तरह लगा रहता था पूरे दिन, बैल की तरह, ओके। नेक्स्ट, लेंचो प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए मैन, अपने आप कैसे प्रेजेंट किया उसने, एज ए मैन हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, हु हैड डीप फेथ इन गॉड, ओके, मैन हु हैज ग्रेट फेथ इन गॉड और डीप फेथ इन गॉड, ओके। नेक्स्ट, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, अपने लेटर पर उसने मोहर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इन टू मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, वो वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर ऑफ टू गॉड, उसे वो लेटर दिखाया जो भगवान के लिए लिखा था लेंचो ने। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने कैरियर में पोस्टमैन होने के नाते कभी उसने इस तरह का एड्रेस लिखा नहीं देखा था, कि भगवान के लिए सेवा में श्रीमान भगवान, ओके। तो ही हैड नॉट सीन सच एड्रेस इन हिज होल लाइफ, ही वॉज अमेज्ड, ही स्टार्टेड लाफिंग एंड शोड द लेटर टू हिज बॉस पोस्टमास्टर, उसको हंसते हुए दिखाया, देखो साहब किसी ने क्या चिट्ठी लिखी, भगवान के लिए पता लिखा, मैंने तो पूरी जिंदगी में ऐसा पता देखा नहीं। हु डज ही रेफर टू, ही किसके लिए आया, ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन लेटर, उसने लेटर पे स्टैंप लगाई, किसने लगाई, लेंचो ने, एन एम्प्लॉय ने लगाई पोस्ट ऑफिस के, पोस्टमास्टर ने लगाई, पोस्टमैन ने लगाई, किसने लगाई, लेंचो ने लगाई, लेटर ले गया दिया जी, ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर और मेल बॉक्स में डाल दिया, लेंचो आएगा यहाँ पर। What address was written? आप ये भी देख लीजिएगा, ही यहाँ पे कहाँ आया है, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप, ये पोस्टमैन की बात हो रही पूरी इसमें, आप उसको लिख देंगे। What address was written on the envelope? क्या एड्रेस लिखा था एनवेलप पे, टू द पोस्ट ऑफिस, टू गॉड, टू द पोस्टमैन, टू द पोस्ट, भगवान के लिए लिखा गया था, टू गॉड, लेटर टू गॉड, टू गॉड, ओके, दिस इज द आंसर, टू गॉड। लेंचो ड्रॉप द लेटर इन टू, कहाँ डाल दिया था लेटर उसमें, लेंचो ने मेल बॉक्स लिखा, ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स। द पोस्टमैन वाज सरप्राइज्ड एट, किस बात पे सरप्राइज था पोस्टमैन, देखा, ही वाज सरप्राइज्ड एट द एड्रेस, द एड्रेस, जो एड्रेस लिखा हुआ था उस पे वो सरप्राइज था, टू गॉड करके लिखा हुआ था, ओके। नेक्स्ट, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एक्सट्रैक्ट, सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेक, नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, राइटर जिसने चिट्ठी लिखी थी उसके विश्वास को जिंदा रखने के लिए, ना तोड़ने के लिए, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए, पोस्टमास्टर ने दिया था आंसर, फिर पीसोज भेजे थे उसको 70, यस, चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यू कुड वेल अंडरस्टैंड व्हाट एक्सटेक्ट इज इवन। हु डज द राइटर रेफर टू, कौन राइटर था, किसका फेथ नहीं तोड़ना चाहता था, कौन राइटर था लेटर का, किसने लिखा था, लेंचो ने, ओके। व्हाट इज द आइडिया अबाउट, क्या आइडिया आया उसके दिमाग में, टू हेल्प लेंचो, टू गिव लेंचो सम पीसोज, टू एम्प्लॉय लेंचो, एम्प्लॉय लेंचो, टू मीट लेंचो, उसकी क्या है, टू गिव लेंचो सम पीसोज, उसने कहा कि पैसे, उसको कुछ पीसोज दिए जाएं। तो पोस्टमास्टर वाजे, कैसा आदमी था पोस्टमास्टर,
काइंड हार्टेड मैन, कैसा था? काइंड हार्टेड मैन, पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। द राइटर हैड एक्सप्रेस्ड हिज सिंपल फेथ इन, किसमें विश्वास उसने दिखाया था? द राइटर हैड एक्सप्रेस्ड हिज सिंपल फेथ, अपना विश्वास एक्सप्रेस किया था, किसमें किया था? इन द लेटर, जो चिट्ठी उसने लिखी थी उसमें उसने अपने विश्वास किया था, फेथ इन द लेटर। ओके, दीज आर द एक्सट्रैक्ट, यू जस्ट रीड देम, एनालाइज, अंडरस्टैंड हाउ दे आर सॉल्व्ड, विच एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पैराग्राफ, एंड व्हाट थिंग्स और पोर्शन ऑफ द चैप्टर हैज बीन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। ओके, उसको आप देखिए, समझिए कहाँ से दिया है, कौन से उससे दिया है, उसके बाद आप उसको करिएगा। एक्सट्रैक्ट भी पढ़ें और कीपिंग आइडिया ऑफ द एंटायर चैप्टर, दिमाग में पूरा होल चैप्टर आपका उसका आइडिया भी होना चाहिए, तो आप दोनों से मिला के आप एक्सट्रैक्ट्स डेफिनेटली यू कुड सॉल्व ऑल द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनी चैप्टर। ओके, ये आपका, दिस इज योर असाइनमेंट टू सॉल्व दीज एक्सट्रैक्ट इन योर नोटबुक, जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जिस वीडियो में दिए हुए, अपनी नोटबुक में कुछ सॉल्व करें, एंड सेंड इट्स पिक टू मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसकी पिक आप लोग भेज दें, सो दैट आई कुड चेक करें, मैं उनको चेक करूँ। ये आपका होम असाइनमेंट। ओके, आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो आपके और चैप्टर्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो मैं ऐसे ही आपको कराता रहूँगा, समझा के बता के कहाँ से चैप्टर में आए, क्या लिखना है आपको, किसके बारे में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू माय डियर।